वेलकम बैक टू अंदर वीडियो मोटो मोड्स। तो जैसे मैं आपको बोला था कि मैं थंडरबर्ड की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सब कुछ करूँगा उसमें। तो ये आ चुकी है उसकी थर्ड वीडियो जिसमें कि मैं करवाने वाला हूँ उसमें सर्विसिंग और भी मतलब और छोटी मोटी चीज़ें जो भी उसमें होएगी तो आपको सब कुछ दिखा दूंगा उसमें क्या क्या होएगा। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ उसको सर्विस करवाने, तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सर्विस सेंटर पर। भाई इधर आ चुका हूँ सर्विस सेंटर पे, तो इधर मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। ये भैया मेरी सर्विस करने वाले हैं बाइक की, तो इन्होंने बोला है कि जो जो इसमें चेंज होएंगी वो है इसका एक तो ऑयल चेंज होएगा, ऑयल फिल्टर चेंज होएगा और एक इसकी प्रॉपर वॉशिंग होएगी। तो ये सब चीज़ें हैं और जो इसकी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि ऑयल ये जो ऑयल लीक हुआ है वो ऑयल लीक होके इसमें जा चुका है जिसकी वजह जो फ्रंट ब्रेक है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। और तो इसकी वजह से एक डिस्क पैड भी चेंज होंगे, तो ये काम होना है अभी इस बाइक में। तो भैया ने कहा कि अभी इसकी दो हाथ सर्विस हो जाएगी तो वो भी आपको दिखाता हूँ। देख लो भाई अपना जो इंजन ऑयल है निकल रहा है जो कि बहुत बुरी हालत है ना भाई इसकी। नया तो बहुत सही आता है क्योंकि बहुत मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत टाइम हो चुकी है सर्विस में, तो बहुत बुरी हालत हो रखी है इंजन ऑयल की। तो अभी देख लो भाई निकाल रहे हैं और वो भी ऊपर से डाला जाएगा। तो भाई इधर ऑयल जो अपना पूरा निकल चुका है और भाई जो ऑयल फिल्टर की जो एक जो असेंबली थी वो तो उसको साफ कर रहे हैं और एक जो पूरी चेंज होएगी एक ऑयल फिल्टर जो भी है दिखाना भाई भाई पर कौन सा है ये जो ये चेंज होएगा और एक जो भैया अभी साफ कर रहे हैं ऑयल फिल्टर और फिर उसके बाद इसमें ऑयल डाला जाएगा। इसके साथ आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो दो भाई हैं यहाँ पे ये इस पर डीजल लगा रहे हो ना तो ताकि एक्स्ट्रा शाइन आ जाए। जैसे मैं आपको बताइए ज़्यादा डेढ़ साल से दो साल से साफ नहीं हुई थी बाइक, तो इस पर एक्स्ट्रा शाइन के लिए भाई डीजल लगा रहे हैं ताकि जब वॉशिंग के टाइम पे और ज़्यादा शाइन आ जाए और अच्छे से दिखे। तो ये देख लो और अभी भाई लेके आ रहे हैं वो ऑयल जो इंजन ऑयल है वो डलेगा फिर इसमें। अभी आप देख सकते हो शाइन आ गई है, फिर जब वॉशिंग होएगी इसकी और बढ़िया हो जाएगी। तो भाई इधर भैया लेके आ चुके हैं अपना ऑयल फिल्टर जो कि अपना ओरिजिनल रॉयल फील्ड का है, ओरिजिनल ना भैया जेन पार्ट्स यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये ऑयल फिल्टर है और ये अपना जो इंजन ऑयल है ये भी रॉयल फील्ड है ओरिजिनल है। देख लो भाई आप क्या क्या प्राइस है भाई इनके MRP भाई MRP तो बता रही है। ये MRP कोई नहीं, ये क्या है अच्छा ये और जो ऑयल लीक होने की वजह से मैंने बताया था कि डिस्क ब्रेक भी जैसे ख़राब हो चुके हैं फ्रंट, तो उसके लिए डिस्क पैड है ये भी जेनवन है रॉयल फील्ड के। तो ये भी इधर देख लो अपना ऑयल फिल्टर जो आपको दिखाया था ऑयल फिल्टर जनरल पार्ट्स का वो जा चुका है और ऊपर से अब ये कवर लगा रहे हैं। तो भाई अब कर रहे हैं इंजन ऑयल इसमें फनल की मदद से उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटा होल होता है और डायरेक्ट डलता नहीं है तो फनल यूज़ करके ये डाल रहे हैं। भाई आप देख सकते हो जो आपने इंजन ऑयल निकला था और इस ऑयल का आप कलर देखो एक बार, बिल्कुल न्यू है ये तो कलर देख सकते हो आप बिल्कुल क्लियर है और उसका आपने कहा तो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, मतलब बिल्कुल वेयर आउट हो चुका था वो ऑयल। अब देख लो कितना साफ है क्लियर है। तो भाई ये निकल जाएगा ये थोड़ी आराम से डलता है क्योंकि छोटा होल है। तो अंदर बता दूँ ये जो बॉटल है ढाई लीटर की होती है, यानी कि थंडरबर्ड में जो अपना इंजन ऑयल था वो ढाई लीटर डलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आई थिंक। भाई अपना जो बेसिक वर्क था यानी कि जो इंजन ऑयल था वो सब कुछ तो हो गया है, अब इंजन ऑयल के बाद अब इसको बाइक के लिए जा रहे हैं वॉशिंग के लिए। और तो भाई इधर देख लो अपनी बाइक आ रखी है वॉशिंग के लिए, दो मिनट में को कुछ जरूरी काम था इसमें बाहर गया हुआ था तो इधर अपनी बाइक वॉशिंग के लिए आ रखी है। ये वही जगह है जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी बाइक वॉश हो रखी है क्योंकि ये जगह बिल्कुल उसी के सामने है एग्जैक्टली। अभी देख लो ये वो रही जहाँ पे मैं अपनी सर्विस करवा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान टायर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस यहाँ पे मैं अपनी सर्विस करवा रहा हूँ और उन्होंने वे अपनी वॉशिंग यहीं पे करवाते हैं जहाँ पे वो जो पहले भाइयों ने डीजल लगाया था वो अब काम आ रहा है। वो बिल्कुल आप देख सकते हो मडगार्ड पे कैसे शाइन आ रही है देख ही सकते हो आप, तो सब ठीक है। तो भाई वॉशिंग होने के बाद अपनी बाइक आ चुकी है इधर और अभी ये दो भाई अपने वो कर रहे हैं बाइक पे पाउडर लगा रहे हैं जो कि ये भाई बोल रहे हैं कि जंग हटाने का मत है। तो देख लो भाई ये पाउडर ये लगा रहे हैं भाई यहाँ पे लगा हुआ, आपको दिखा देता हूँ जंग हट जाता है और शाइन भी बढ़िया जाती है ना। ये इधर लगा हुआ है आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत गंदे वाले आ रखे थे वो हट चुके हैं वो स्क्रैचेस सारे और ये भी पूरी बाइक पे पाउडर लगाया हुआ भाइयों ने। अब इसको जब ये साफ़ हो जाएगा तो आप देखना अलग ही शाइन निकल के आएगी। तो ये देखो आप स्पार्क प्लग निकालोगे ना पहले? हाँ तो भाई अभी भाई अपने स्पार्क प्लग निकाल रहे हैं, स्पार्क प्लग निकाल के साफ करेंगे और दोबारा इसे लगाएंगे। देख लो स्पार्क प्लग निकल रहे हैं यहाँ पे।
भाई देख लो ऐसा कुछ दिखता अपना, ये थंडरबर्ड का स्पार्क प्लग। तो अभी इसको साफ करेंगे भाई ना, तो ये हो जाएगा साफ, उसके बाद इसको लगा लेंगे। तो भाई सैंड पेपर से घिस के भाई इसको साफ कर रहे हैं स्पार्क प्लग को, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी ना भाई, जैसे सैंड पेपर में स्पार्क उससे बाद में काम ना करे ऐसा कुछ, मतलब जैसे अभी साफ कर रहे हो ना तो कुछ काम ना करे, कुछ दिक्कत हो जाए स्पार्क प्लग ना, कुछ छोटा मोटा जैसे पार्ट होता है इसमें वो टूट उट जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बाद में सही काम करेगा, सही है। तो भाई ये काम कर रहे हैं भाई और लगा रहे हैं। तो भाई मीन वाइज साथ ही साथ भैया ने डिस्क ब्रेक का काम भी चालू कर दिया है, अभी देख लो आप, और स्पार्क प्लग भी भाई लगा रहे हैं साथ ही साथ में, देख भाई। और अब भैया ने ये जो अपना कैलिपर होता है वो खोलना स्टार्ट कर दिया है, फिर उसका डिस्पैच चेंज करेंगे। आप देख सकते हो हालत कितनी खराब है, ऑयल बीन पे जमा हुआ है और कंडीशन आप देख रहे हो, एक मिनट इधर मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल वेयर आउट हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आप देख सकते हो इनकी थिकनेस पता नहीं रहता होगा थिकनेस से, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, देख लो भाई बहुत गंदे हो रखे हैं। और भाई ये अभी निकल चुका है कैलिपर और अब इसे साफ करेंगे भाई, वो चेंज कर, पहले तो डिस्क ये साफ करेंगे डिस्क, फिर चेंज करेंगे पैड्स। तो भाई भैया ने पेट्रोल निकाला अभी बाइक से और इसे साफ कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉक्स का ऑयल था यानी कि जो आगे वाले शॉकर से उनका ऑयल था इस पर आ चुका था, जिसकी वजह से ये साफ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो पहले तो पेट्रोल से इसको साफ किया जा रहा था ताकि जो वो है फ्रिक्शन बन जाए इस पर, जो ऑयलिंगनेस सारी निकल जाए, और फिर पैड चेंज करके लगा दिया जाएगा जिससे कि अपने प्रॉपरली काम करने लग जाएंगे ब्रेक्स। तो भाई ये जो है अपने नए डिस्क पैड्स जो अभी लगने वाले हैं, आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और मतलब प्रॉपर है, ये बिल्कुल सही है। और आप एक बार आपको दिखा दो डिफ्रेंशिएट करके, ये नए वाले हैं और ये पुराने वाले हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, पुराने वाले वेयर आउट है और ये नए वाले बिल्कुल प्रॉपर है। तो अभी ये लगाए जाएंगे भाई, तो भाई लगा दो भाई, लगाएंगे अभी ये। एक चीज़ और देख लो भाई, अपना ये एयर फिल्टर है अपना, ये पहले बोलिए ना एयर फिल्टर साफ करके लेके आए, तो भाई ये अपना ये एयर फिल्टर था भाई, इसे साफ करके लेके आए हैं, देख लो बिल्कुल नए जैसा हो गया है साफ करने के बाद, देख सकते हैं आप क्वालिटी, ये उसका थंडरबर्ड का एयर फिल्टर है। तो भाई अभी इसको यहाँ पे लगा देंगे, सही हो गया, सही है, सही है। ये एयर फिल्टर बॉक्स है अपना, यहाँ पे एयर फिल्टर रख जाएगा अपना। फाइनली इधर अपना जो है डिस्क पैड चेंज हो गया, डिस्क कैलिपर अपना लग चुका है और भाई एक बार फिर से इसको साफ कर रहे हैं डिस्क ब्रेक, ताकि अच्छे से वर्क करें। और एक चीज आपको दिखा दूं, जो मैंने आपको बताया था कि पाउडर इस पे लग रहा है, और देख सकते हैं पाउडर लगाने के बाद भाइयों ने पाउडर उतारा है, और आप देख सकते हैं इसकी शाइन जो आ रखी है भाई, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई बाइक हो चुकी है। यहाँ पे आपने देखा था कि ऐसे मार्क्स आ रखे थे अजीब अजीब से, बहुत बेकार थे वो, देख लो। और यहाँ पे भी देख लो कितनी बिल्कुल ही प्रॉपर शाइन आ रखी है बाइक में, एक नई शाइन आ गई, जैसे बाइक नई बाइक लेते वैसे शाइन आ चुकी है इसमें। तो भाई देख लो अपना मोटा मोटा सारा काम मेन तो हो चुका है, एयर फिल्टर भी लग चुका है और डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं, और आई थिंक पॉलिश जो मैं बता रहा था सारी हो चुकी है। और अब जो फाइनल काम है, अब भैया लगा रहे हैं टायर पॉलिश, जो आप देख रहे हो ये भैया टायर पॉलिश लगा रहे हैं, इससे मतलब टायर में शाइन आ जाती है आप देख रहे हो। ये चीज़ वैसे मेरे को पहले मैंने कभी देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और शायद आप भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है टायर पॉलिश, देख लो बिल्कुल, मतलब एक आप देख लो बिफोर आफ्टर वाला फील हो चुका है, इधर ये हालत है और इधर ये हालत है, बिल्कुल ही नई लुक आ चुकी है बाइक पे, बाइक के टायरों पे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये, देख लो यार। इस तरफ भी भाई ने लगा दी है टायर पॉलिश, देख लो। तो भाई देख लो बाइक अपने फाइनल स्टेप्स में आ चुकी है, जो कि जो लास्ट में अपनी इसकी क्लीनिंग होती है, एक शाइन पॉलिश टाइप है, पॉलिश लगा रहे हैं भाई, पॉलिश लगा रहे हैं भाई जिससे कि और शाइन आ जाए, फाइनल स्टेप अपनी बाइक का। तो उसके बाद जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बिल मिल जाएगा मेरे को, पेमेंट करूँगा और मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का काम हो चुका है पूरा। तो अभी हो रही है इसकी बिलिंग का टाइम आ चुका है, तो भैया बिल बनवा रहे हैं, तो आपको दिखा दूंगा बिल कितने कितने का है, बट फिर भी आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कितने का हो रहा है। ये 1400 की जो थी अपनी प्रॉपर सर्विस थी, जो जिसमें कि इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर और वॉशिंग वगैरह थी, और जिसमें और फिर जो 200 के अपने डिस्क पैड थे, और 80 इन्होंने लेबर लिया है, तो जो अपने बिल आएगा वो भी आपको दिखा दूंगा, लेके आऊँगा। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, बाय बाय।